हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के महावीर स्थान चौक में बच्चियों को स्कूल पहुंचाने वाली ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के महावीर स्थान चौक में बच्चियों को स्कूल पहुंचाने जा रहा ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि ऑटो में 10 से 12 बच्चियां सवार थीं। बताया जाता है कि दूसरी दिशा से आ रहे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो घटनास्थल पर ही पलट गया, जिसके नीचे कुछ बच्चियां भी दब गईं। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में ऑटो को उठाया गया और बच्चियों को निकालकर हजारीबाग सदर अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया है। बता दें कि 4 बच्चियों की गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनका इलाज हजारीबाग सदर अस्पताल में किया जा रहा है। तत्काल बच्चियों के परिजनों को इसके बारे में सूचना दी गई। सभी के परिजन सदर अस्पताल में पहुंचकर इलाज करवाने में जुटे हुए हैं। परिजनों ने बताया कि अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो रहा है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ के परिजन ने बताया कि ऑटो वाले की कोई गलती नहीं है, मालवाहन ट्रक वाले ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को तो भिजवा दिया गया है, लेकिन अब तक सदर थाना की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। बता दें कि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। एक ट्रांसपोर्ट वाला महावीर स्थान चौक पे मंदिर पे एक टेम्पो वाला को धक्का मार दिया, जिसमें कि उस टेम्पो में 10 से 12 बच्चियां बैठी हुई थी, जिनमें उनको सब जख्मी हो गई। और गलती इस ट्रक वाला का ही है, ताकि उधर से आ रहा था, टेम्पो वाला धीरे जा रहा था। और सदर थाना से गुजारिश है कि इनका कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि 108 पे तो मैंने डाल करके एम्बुलेंस को भेज दिया, अगर सदर थाना अभी तक गैर हाजिर है। कितने बच्ची के साथ भाई? ट्रक वाला मार दिया इसको, ऑटो वालों को, और फिर उलट गया था ऑटो, एकदम उलट गया था ऐसे, ठीक है, उलट गया था। तो फिर बच्चा को हम लोग घीच घीच के सबको निकाले, फिर रो रहा था सारा बच्चा, कुछ बच्चा को हम लोग घर भेज दिए, कुछ बच्चे तीन बच्चे को हम लोग स्कूल भेज दिए, और सर 2 बच्चे को हम लोग लेके। कौन स्कूल के बच्चे? ये सरस्वती मंदिर का है ना, सरस्वती मंदिर। कहां पर घटना घटी है? ये महावीर स्थान मंदिर के लगे। अब कितने बच्चे थे ये सब हमको कुछ नहीं पता। मेरे बच्चे को चोट लगा है, तो मैंने हॉस्पिटल लेके आया, तो एक डॉक्टर थे, तो वो देखे, बोले कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है बच्चे। अब बच्चे रो रहे हैं और वो मतलब उसको दर्द भी कर रहा है, और जो भी यहाँ का जो स्टाफ लोग है वो मतलब कि कुछ भी नहीं, वो कुछ कर रहे हैं। और अच्छा, डॉक्टर का नाम भी पूछ रहे, तो नाम नहीं बता रहे। दूसरा चीज की जब हम वो बोले कि पर्ची बनाने के लिए, वो देखिए ये पर्ची है, उसके बाद जब पर्ची बनाया तो उसके बाद डॉक्टर गायब है। तो यहाँ पे क्या सुविधा है हम लोग को? ये कोई यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग को कोई